नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर राजस्थान के दुर्ग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने राजस्थान के दुर्गों के बारे में एक नॉन टाइप वे यानी पॉइंट टू पॉइंट इम्पोर्टेंट तथ्यों को समाहित करते हुए इस वीडियो को तैयार किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्जाम में बेहद ही मददगार साबित होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, यहाँ पर हम दुर्गों के बारे में कुछ बेसिक सामान्य जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। शुक्र नीति में दुर्गों की 9 प्रमुख श्रेणियां बताई गई है, जिसमें पहली जो श्रेणी है अरण्य दुर्ग। अरण्य दुर्ग जो जंगल में हो, कांटों और वनस्पतियों से घिरे हुए दुर्गम स्थल पर हो, तो ऐसा दुर्ग अरण्य दुर्ग कहलाता है। जैसे रणथंभौर का दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ का दुर्ग भी इसी श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट श्रेणी पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे लोहागढ़ का किला फरतपुर। नेक्स्ट पारी दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा यानी ईंटों और पत्थरों से बना बड़ा परकोटा हो, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग। नेक्स्ट वन/औरण दुर्ग यानी वनों से घिरा हुआ दुर्ग, जंगल से घिरा हुआ दुर्ग, वो है सिवाना का दुर्ग। नेक्स्ट है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब रेगिस्तान में स्थित जो रेत के टीलों के बीच में दबा हुआ दुर्ग या रेत के टीलों के बीच में स्थित दुर्ग, वो होता है धानवन दुर्ग, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। नेक्स्ट जल दुर्ग यानी जिसके चारों ओर कोई यानी नदी वगैरह या फिर जल से घिरा हुआ दुर्ग, जैसे गागरोन का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट गिरी दुर्ग यानी किसी पर्वत पर स्थित दुर्ग। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, बहुत सारे दुर्ग। नेक्स्ट दुर्ग है सैन्य दुर्ग, जिसमें चतुरंगिणी सेना हमेशा सहायता के लिए मौजूद रहती हो, तो वह है दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है सहायता दुर्ग, जहाँ पर साथ देने वाले भाई बंधु हमेशा मौजूद हो। नीति के दुर्गों की इस श्रेणियों से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न इससे संबंधित आ जाता है कि कौन सा दुर्ग इस श्रेणी में आता है या फिर नहीं आता है। जैसे कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है, कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग है, कौन सा दुर्ग अरण्य दुर्ग है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। दुर्गों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम शुरू करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। सबसे पहला और महत्वपूर्ण दुर्ग लिया है हमने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य नामक शासक ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है, लेकिन इसका आधुनिक निर्माता इसका जीर्णोद्वार करवाया है वो महाराणा कुंभा ने करवाया है। इस दुर्ग के अन्य जो नाम है वो है चित्रकूट। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है तथा यह राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है तथा इसे राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के यह अन्य नाम भी महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अन्य किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो चित्रकूट, राजस्थान का गौरव, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार और दुर्गों का सिरमौर। इसके अलावा इसे खिजराबाद भी कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण करके इसको अपने अधीन करके अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक प्रचलित कहावत जिसके बारे में हर किसी ने सुना होगा, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, यह उक्ति अबुल फजल के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में कही गई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती वगैरह यानी कृषि का कार्य भी किया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 महत्वपूर्ण शाखे हुए यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा शाखे चित्तौड़ दुर्ग में ही हुए हैं। पहला प्रथम शाखा चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा हुआ है वो 1303 में मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उस समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और इस किले को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ में जो दूसरा शाखा 1534 और 1535 में हुआ था, उस समय वहाँ का शासक विक्रमादित्य था और गुजरात के शासक बहादुर शाह का यहाँ पर आक्रमण हुआ था। लेकिन इससे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था युद्ध से पहले। इससे पूर्व महारानी कर्मावती ने हुमायूं को सहायता हेतु राखी भेज करके आमंत्रित किया, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुँच सका, तो यहाँ पर सहायता हेतु समय पर नहीं पहुँच सका। इसके उपरांत कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर सम्पन्न हुआ। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 और 1568 ईस्वी में हुआ था। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा मुगलों के विरुद्ध लोहा लेते हुए जयमल और पता वीरगति को प्राप्त हुए तथा फूल कमर कमर के नेतृत्व में यहां पर जौहर हुआ। इसी श्रृंखला में आगे दर्शनीय स्थल विजय स्तंभ। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 1439 और 40 में भगवान विष्णु के निमित्त
इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यानी 1537 में महाराणा कुंभ और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ। उस युद्ध में विजय के उपरांत महाराणा कुंभ ने इस विजय स्तंभ का निर्माण 1439 और 40 में करवाया। इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह 9 मंजिला है तथा 120 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ का शिल्पकार जेता, नापा, पोमा और पुंजा को माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न भी सीधा सीधा पुटअप हो सकता है कि विजय स्तंभ के जो शिल्पकार थे वो कौन थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जेता, नापा, पोमा और पुंजा। नेक्स्ट, सारंगपुर का युद्ध भी महाराणा कुंभ और मालवा के सुल्तान खिलजी के बीच 1437 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में विजय के उपरांत महाराणा कुंभ ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, विजय स्तंभ यानी इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश तथा अजायबागर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण अनुमत बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था। यह 75 फुट ऊंचा तथा 7 मंजिला है। यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास ही बना हुआ है। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय पर्यटन स्थल जो कि चित्तौड़गढ़ किले में ही स्थित है। तो यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश संग्रहालय और कुंभा के महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है जो कि चित्तौड़ दुर्ग के अंतर्गत ही स्थित है। नेक्स्ट, इस दुर्ग में पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल, राम पोल नामक 7 दरवाजे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कि प्रथम साके में रतन सिंह के साथ सेनानायक गोरा और बादल जो कि पद्मिनी के रिश्तेदार थे यानी चाचा भतीजा थे, जो कि इस चित्तौड़ के प्रथम साके के दौरान युद्ध करते हुए शहीद हो गए। नेक्स्ट, चित्तौड़ का तृतीय साका जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर इनका जो बलिदान की गाथा इतिहास में अमर हो गई। इन दोनों वीर योद्धाओं की जो गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के समक्ष मौजूद है। जुना है राजस्थान का अगला महत्वपूर्ण दुर्ग अजमेरू दुर्ग, जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का यह दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय है। तो यह राजस्थान के अजमेर जिले में है। इस गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में महाराजा अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग के यानी अजमेरू दुर्ग के अन्य नाम गठबीटली दुर्ग, यह दुर्ग गठबीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गठबीटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग तथा राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर तथा पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से संबोधित किया है। तारागढ़ दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहेब की दरगाह स्थित है तथा इसी दुर्ग में मीरान शाह के प्रसिद्ध घोड़े की मजार भी स्थित है। तो यह भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार स्थित है। तो यहाँ सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग ने झेले हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्थानीय आक्रमण है वो राजस्थान के अजमेर दुर्ग में ही हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रांतों ने जो आक्रमण किए हैं वो भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, वहाँ पर हुए है। तारागढ़ दुर्ग में नाना साहेब का झालरा, गोल झालरा तथा इब्राहिम शरीफ का झालरा स्थित है। यानी तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर जिले में स्थित है उसमें नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा स्थित है। राजस्थान का अगला महत्वपूर्ण दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। अभी जो तारागढ़ दुर्ग पड़ा है वो अजमेर जिले में स्थित है, जबकि यह दुर्ग राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। इसका निर्माण राव बसिंह सिंह जी हाड़ा ने 1334 ईस्वी में करवाया है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है तथा राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। इस दुर्ग को दूर से यानी आसमान से देखने पर ऐसा माना जाता है कि यह तारे की आकृति के समान दिखाई देता है। इसी आधार पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा है। इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ के जो महल थे इसको राजपूताना के सर्वश्रेष्ठ महलों के समकक्ष तुलना की है। राजस्थान का तिलस्मी किला कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी गुप्त सुरंगें हैं। इस दुर्ग में गर्भ गुंजन तथा महाबला नामक तोप स्थित है। यहाँ दुर्ग के भीतर फूल महल, दूधा महल तथा साइड में रानी जी की बावड़ी स्थित है।
तथा इसके अलावा यहाँ पर 84 खंभों की छतरी भी स्थित है। नारागढ़ का किला राजस्थान का काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक महत्व रखता है। राजस्थान का अगला महत्वपूर्ण दुर्ग जिसका काफी ज्यादा ऐतिहासिक और सामरिक महत्व है वह दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। यह दुर्ग अरण्य दुर्ग, गिरि दुर्ग तथा वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। यह दुर्ग अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए यह दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह कंटीली झाड़ियों और वनों से घिरा हुआ है, अतः यह दूर से देखने पर भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यह दुर्ग विषम आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस दुर्ग के संदर्भ में अबुल फजल ने एक उक्ति कही है, अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। तो यह उक्ति रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में कही गई है। इस दुर्ग में जो स्थित प्रसिद्ध और दर्शनीय जो इमारतें हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, हमीर की कचहरी, बादल महल, जोरा भोरा का महल, 32 खंभों की छतरी, योगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह तथा त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। तो यह सभी जो इमारतें हैं यह रणथंभौर दुर्ग के भीतर स्थित है। राजस्थान का अगला महत्वपूर्ण दुर्ग मेहरानगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में जोधपुर के शासक राठौड़ वंश के शासक राव जोधा के द्वारा करवाया गया। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि यह दुर्ग चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि जाना जाता है और यह दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग की नींव में राजा राम नामक एक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया तथा इस दुर्ग की जो नींव है वो रिधिबाई जो इतिहास में करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई के उसे नींव का कार्य संपन्न हुआ। इस दुर्ग के संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार जैकलिन कैनेडी ने कहा कि यह तो विश्व का 8वां आश्चर्य है। यानी जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में कहा कि यह तो विश्व का 8वां अजूबा 8वां आश्चर्य है। इस दुर्ग में महाराजा सूर सिंह ने मोती महल तथा अजीत सिंह ने फतेह महल, अभय सिंह ने फूल महल तथा भक्त सिंह ने बंगार महलों का निर्माण करवाया है। तो यह इस दुर्ग में महाराजा मान सिंह ने पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की है। यह भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, पटवार 2016 में स्पष्ट इसी प्रश्न को सीधा सीधा पूछा गया था। लॉर्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के संदर्भ में कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों और देवताओं के द्वारा किया गया, यानी परियों और देवताओं के द्वारा निर्मित है यह दुर्ग। इस दुर्ग में स्थित तोपें, मेहरानगढ़ दुर्ग में किलकिला, शंभूबाण, गजनी तथा चामुंडा नामक विख्यात और प्रसिद्ध तोपें इस दुर्ग के भीतर स्थित है। भवानी चामुंडा माता का मंदिर जो कि राव जोधा के द्वारा निर्मित है यह भी इसी दुर्ग के भीतर स्थित है। तो यहाँ पर हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल मंदिर हमने चर्चा कर ली है। मेहरानगढ़ दुर्ग का भी काफी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। अगला जो दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग, यह रेगिस्तान में स्थित है। यानी यह दुर्ग राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का जो निर्माता है महारावल जैसल जो की भाटी वंश के शासक है के द्वारा 1156 ईस्वी में करवाया गया। यह दुर्ग धानवन दुर्ग तथा गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि यह दुर्ग रेगिस्तान तथा रेत के टीलों से घिरा हुआ है तथा यह त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। इस दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इस दुर्ग को उत्तर भड़कीवाड़, सोनगढ़, स्वर्णगिरी आदि नाम से संबोधित किया जाता है। यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, अतः यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यह दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है, यानी इसमें काफी ज्यादा लोग रह सकते हैं। जैसलमेर दुर्ग की एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है जिसे जीन भद्र के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। सन 2013 में इस दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज सूची यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इस दुर्ग को शामिल किया गया है। 2013 में राजस्थान के 6 दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुए जिसमें इसकी ट्रिक है गाजर, चिकू और आम, गा से गागरोन, जे से जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर। तो यह सभी दुर्ग 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित हुए।
आगे बात करते हैं जैसलमेर के दुर्ग के संदर्भ में, तो जैसलमेर दुर्ग के जो ढाई साके हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जैसलमेर का दुर्ग ढाई साके के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर जो पहला साका हुआ था वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था और यहाँ का जो भाटी शासक था वह था मूलराज। द्वितीय शाका जो संपन्न हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक का यहाँ पर आक्रमण हुआ था। उस समय जैसलमेर का जो शासक था वो था रावल दूदा तथा त्रिलोक के नेतृत्व में यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ पर भी शाका संपन्न हुआ। तीसरा जो शाका हुआ था वो जैसलमेर का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यह संपूर्ण शाका न होकर के अर्ध शाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हो गया लेकिन स्त्रियाँ जौहर नहीं कर पाई। तो जैसलमेर का जो तीसरा शाका था जिसे अर्ध शाके के नाम से जाना जाता है, ये कंधार के अमीर अली का यहाँ पर आक्रमण हुआ था जो कि संभवतः 1550 में हुआ था। और उस समय जैसलमेर का जो शासक था वह था राव लूनकर्ण। उस समय यहां पर अर्ध शाका हुआ क्योंकि महिलाएं जोर नहीं कर पाई। राजस्थान का अगला महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दुर्ग है मैगजीन का दुर्ग, जिसे अकबर का किले के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया। इस दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यह दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य शैली पर आधारित है। इसी दुर्ग में सर टॉमस रो, जिसने 1616 में जहांगीर से अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया और उसी के बाद भारत में जो गुलामी की दास्ता संभवतः यहीं से मानी जाती है, क्योंकि यही विदेशी राजदूत था जिसने भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने हेतु जहांगीर से मुलाकात की और उसके बाद भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए। वर्तमान में यह एक राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। और सन 1576 में जो हल्दी घाटी की योजना है मानसिक के द्वारा तैयार की गई थी वह इसी दुर्ग के भीतर इसी किले के अंतर्गत बनाई गई थी। तो यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो राजस्थान का महत्वपूर्ण दुर्ग है जिसका काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक और सामरिक महत्व है वह दुर्ग है आमेर का दुर्ग। आमेर का दुर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। यह दुर्ग गिरी श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण मिलता है। मीरा राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित दीवान ए आम में राजाओं का दरबार होता था तथा दीवान ए खास जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इस मिर्जा राजा जयसिंह अपने विशिष्ट सामंतों तथा महत्वपूर्ण जो वीआईपी लोग थे उनसे मिला करते थे। इसा पेपर ने इस दुर्ग के संदर्भ में कहा है कि क्रेमलिन तथा अल्ब्रमा में मैंने जो कुछ भी देखा है उससे यह कहीं बढ़कर है। तो यहाँ के जो महल है उनसे बिशप हेपर काफ़ी अचंभित हुआ। इस दुर्ग में जलेब चौक, सिंह पॉल, गणेश पॉल, दिलसुख महल, माउटा तालाब, सुहाग मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है, शिला माता का मंदिर, जनानी ड्योढ़ी और कदमी महल आदि स्थित है। तो यहाँ पर बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुहाग मंदिर कहाँ स्थित है या फिर कदमी महल कौन से दुर्ग से संबंधित है, तो सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पुटअप हो भी सकता है। तो इन चीज़ों को, इन महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों को भी आप साथ में याद रखना। अगला महत्वपूर्ण दुर्ग जयगढ़ का दुर्ग। जयगढ़ का दुर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1726 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इस दुर्ग को चिल्हे का टीला, खजाने का किला, रहस्यमय दुर्ग तथा इस दुर्ग के अंतर्गत जो विजयगढ़ी महल है उसे लघु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग में एशिया का एकमात्र तोपखाना भी स्थित है। तो यहाँ आपातकाल के दौरान तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पर खजाने की तलाश में इस किले की खुदवाई का कार्य भी करवाया गया था। तथा जयगढ़ का जो किला है इसमें जयबाण नामक तोप, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, वह इसी दुर्ग के भीतर स्थित है। इस दुर्ग में दीवान ए आम, दीवान ए खास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, सूर्य मंदिर, रणावत जी का चौक आदि स्थित है। तो यह इस दुर्ग के भीतर काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। तथा इस दुर्ग के भीतर स्थित काल भैरव का जो मंदिर है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थल है। इसी श्रृंखला में जयपुर का जो अगला महत्वपूर्ण दुर्ग आता है वह आता है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। यह दुर्ग भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़, महलों का दुर्ग, मिठड़ी का दुर्ग आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा इसे जयपुर की ओर झांकता हुआ किला भी कहा जाता है।
इस दुर्ग में माधव सिंह प्रथम ने अपनी पासवान रानियों हेतु एक जैसे यानी एक समान 9 महल बनवाए तथा उन महलों का जो नाम है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है हो सकता इस प्रकार का भी प्रश्न पुटअप हो जाए। तो यहाँ पर जो 9 महल है उनमें सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, ज्वाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश, इस प्रकार के 9 एक जैसे महल सवाई माधव सिंह प्रथम के द्वारा अपनी पासवान रानियों हेतु बनाए गए। इस दुर्ग को जयपुर का मुकुट कहा जाता है। तो यह दुर्ग भी काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सामरिक रखने वाला दुर्ग है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।